एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के असलाना गांव में संचालित शासकीय हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दिन में एक बार नहीं बल्कि दो बार अपनी जान दांव पर लगा करके स्कूल जाते हैं। दरअसल स्कूल तक आने और स्कूल से वापस घर जाने के लिए मासूम बच्चों को जिले की सबसे बड़ी नदी सुनार को पार करना होता है। एक टूटी फूटी नाव के सहारे स्कूली बच्चे नदी को हर रोज़ पार करते हैं। बारिश के दिनों में नदी उफान पर होती है और ऐसे में बच्चों को एक स्थानीय वृद्ध मछुआरा नदी पार कराता है। इन बच्चों की क्या मजबूरी है, किस कारण से बच्चों को नदी पार नाव के माध्यम से करनी पड़ती है, आपको सुनाते हैं। एशियन न्यूज़ के लिए गगन सेन की रिपोर्ट। बाबू डांटत नहीं है तुम हमारे तो कह रहे थे सांस नहीं लेने को, सांस नहीं लेती इधर आ तू इधर आ। अपर जो नुकसान है जो गंभीर, हमें तो 250 बच्चे 150 उतारने पड़ते डेली। दीदियों वास्तव में नहीं है कितने बच्चे आज बेटा कक्षा में पढ़ती हो और क्या समस्या है तुम्हारी? मैं 12th में पढ़ती हूँ और यही समस्या है कि हमारे गांव से नाव डली है नदी में, तो नदी आने के कारण यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, फिसल जाते हैं और ज्यादातर बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। रोज नाव से आती हो जाती हो, डर नहीं लगता? नहीं, नदी तैरना जानते हैं तो डर नहीं लगता। और जो बच्चे तैरना नहीं जानते वो उनका जो नाव चलाते हैं वो ध्यान रखते हैं। यहाँ पुल तो है लेकिन सड़क नहीं, हम लोग बहुत ही दिक्कत होती है, नाव से आना पड़ता है ना तो बहुत ही डर भी लगता है। सड़क बन जाए ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोगों को। क्या नाम है, किस कक्षा में पढ़ती हो? रक्षा कुर्मी, कक्षा 8वीं। हमारी यह समस्या है, यहाँ पर पुल तो है पर सड़क नहीं है, हम अपनी जान पे खेल के आते हैं, नाव पे से आते हैं, कभी कभी तो नदी बहुत ही आ जाती है तो 2-3 दिन तक नहीं आ पाते। डर नहीं लगता है उसमें आने से? लगता तो है पर स्कूल आते हैं रोज। क्या नाम है तुम्हारा? आरुषि कुर्मी। किस कक्षा में हो? कक्षा 8वीं। को परेशानियाँ हो रही है जी, क्या कारण है कि ये पुल आज भी बनने के बाद भी 7 साल हो गए हैं लेकिन सड़क नहीं है वहाँ पर? उसका मेन कारण ये है कि दोनों ओर प्राइवेट जगह है, इसलिए वो रास्ता की समस्या है और रास्ता की समस्या से आवागमन में पुल तो बन गया है लेकिन उसका कोई उपयोग ना तो बच्चों में मिल पा रहा है ना ग्रामीण क्षेत्र को, क्योंकि रास्ता है नहीं। अगर रास्ता खुल जाए तो बच्चों को तो भारी लाभ है और जो 10-25 गांव का आवागमन है वो भी सुचारू रूप से हो जाएगा, इसलिए
खासकर बच्चों के हित को पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए रास्ता खुलना बहुत आवश्यक है, और अगर रास्ता खुल जाए तो उससे भारी लाभ होगा। सर इतने सालों से बच्चे नाव पर आ रहे हैं, डर नहीं लगता क्या उन्हें कभी? अब बच्चों की भी मजबूरी है कि वो बड़ी सागौनी के बच्चे दुनिया से आते हैं घूम के, तो अब उनको पढ़ाई करने इसलिए आते हैं और उस तरफ वो पढ़ाई करने जाते नहीं। हम लोग तो काफ़ी कहते हैं भाई उस तरफ किसी स्कूल में एडमिशन ले, लेकिन उन बच्चों को नज़दीक असलाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पढ़ने आते हैं। जांच जो में डाल के क्या करें, इसके लिए सास नहीं कुछ कर सकता है, इसमें तो कोई उपाय नहीं।